दोस्तों, ये दोस्तों भोजन प्रसाद वाला ग्रह है, जो कि खुलता सुबह 12 बजे तक 8 बजे से यहाँ प्रसाद भोग कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों ये प्रक्रिया मार्ग नर्मदा जी के मंदिर, यहाँ से आप मां नर्मदा जी के मंदिर की प्रतिमा लगा सकते हैं। और लगा रहे हैं भैया, हमारे साथ लगा रहे हैं, राहुल भी है, अभी भैया भी है। ये देखिए पट खुल चुका है दोस्तों, वहाँ से ये निष्कासी द्वारा नर्मदा मंदिर का, वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ हवन उवन कुंड वाला बना है कुछ ऐसा, ये पूरा प्रतिमा लगाते हैं यहाँ बैठे हुए हैं भक्तगण। और दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी दोस्तों यहाँ विजिट करिए, जो कि पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है हमारा कंटक दोस्तों MPCG बॉर्डर पे पड़ता है। वाकई बहुत अच्छा स्थान है, इसको हिल स्टेशन भी बोला जाता है। बहुत ही मतलब बहुत सुंदर, ये देखते भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए, इतना लंबी लाइन है यहाँ से। और यहाँ है दोस्तों नर्मदा जी, यहाँ मेन नर्मदा जी का उद्गम स्थल, और यहाँ हवन उवन करवा सकते हैं, पंडित बहुत सारे रहते हैं। बस दोस्तों अंदर से गुजरा जाता है हाथी से, और ये देख सकते हैं ये है मेन चाचा जी का भी खींचना है, नर्मदा जी का, चाचा जी का भी खींचना है। ये देखिए नर्मदा जी उद्गम स्थल पूरा, ये यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है, जो कि भेड़ा घाट होते हुए डिंडावरी होते हुए भेड़ा घाट जबलपुर और नर्मदापुरम और जब पूरा नाम जिसका होशंगाबाद, यहीं से गुजरते हैं नर्मदा जी और गिरते हैं दोस्तों गुजरात की खाड़ी में। इसका दोस्तों इतिहास बहुत पुराना है, और दोस्तों सबने देखे होंगे दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर आती हैं दोस्तों, लेकिन नर्मदा जी उल्टा बहती हैं इधर से, ये पूर्व से जाती हैं दोस्तों पश्चिम गुजरात की खाड़ी में जाके मिलती हैं, जहाँ सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। देख सकते हैं पूरा नर्मदा नदी के अंदर का मंदिर, और ऐसा कुछ ये दर्शन वर्शन करें भोलेनाथ जी का मंदिर है, और ऐसा मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए पूरा कुंड है नर्मदा कुंड, और ये देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ से आप देखिए अभी फाउंटेन बंद हो चुका है, बड़ी बड़ी आप अपने हाथ से खिला सकते हैं, मोबाइल ना गिरा देना, काश नहीं गिरेगा यार। बस देख सकते हैं आप भी दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर टाइम मार्क बना हुआ है, ऐसे ऐसे मछली